वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुरभि, योर डिज़ाइन बडी एंड अ प्राउड नेफ्ट एलुमनाय। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है और वो अपना मास्टर्स करने का प्लान कर रहे हैं, बट कंफ्यूज हैं कि कौन सा कोर्स उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा, स्पेशली इफ दे वॉन्ट टू परस्यू देयर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। आई वॉज इन द सेम सिचुएशन फ्यू ईयर्स बैक। सो व्हेन आई वॉज प्लानिंग फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएशन, एक चीज़ तो श्योर थी कि मुझे निफ्ट से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, बट आई वॉज सो कन्फ्यूज कि निफ्ट का कौन सा प्रोग्राम मेरे लिए सबसे सूटेबल रहेगा। डिज़ाइनिंग मैंने बैचलर्स में की थी तो मैं श्योर नहीं थी कि क्या मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन भी डिज़ाइनिंग में करनी चाहिए। उस टाइम आई हैड नो वन टू गाइड मी, टू सपोर्ट मी, जो मुझे बता सकता था कि कौन से प्रोग्राम का स्कोप सबसे ज़्यादा है, कौन सा प्रोग्राम मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। सो आज का वीडियो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके लिए बनाया है, जो लोग कन्फ्यूज हैं और जानना चाहते हैं कि किस कोर्स में उन्हें क्या मिलेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, यू नो द ड्रिल, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव राइट इन। Let's start by discussing the program offered by the National Institute of Fashion Technology in their master's program. So, master's में NIFT में तीन program offer किए जाते हैं। First है MDes, उसके बाद आता है MFM and third है MF Tech। हम अभी बात करेंगे हर program के बारे में individually। सबसे पहले हम बात करते हैं MDes के बारे में, जो होता है मास्टर्स इन डिज़ाइन। मास्टर्स इन डिज़ाइन करने में पता चलता है कि फैशन इंडस्ट्री इज मच मोर देन जस्ट क्लोथिंग। इट्स अबाउट द कल्चर, इट्स अबाउट द प्रोडक्शन, इट्स अबाउट द मटेरियल, इट्स अबाउट द टेक्नोलॉजी। और आपको MDes में इन्हीं सब डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है। MDes का कोर है उसका रिसर्च और डिज़ाइन थिंकिंग। स्टूडेंट अपनी स्पेशलाइजेशन चूज कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट। उसके बाद आता है MFM। MFM is like an MBA in design. So basically it revolves around the fashion industry, पर इसमें आपको management के बारे में पढ़ाया जाता है। इसमें आने वाले subjects हैं merchandising, marketing, retailing and management। और इसको करने के बाद आप एक अच्छे खासे managerial position में जा सकते हैं और चाहें तो वो अपना खुद का business start करके एक entrepreneur भी बन सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो कोर्स है उसकी बात कर लेते हैं, जो कि है MF Tech, जिसका फुल फॉर्म है मास्टर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी। सो MF Tech इज ऑल अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड द मैनेजरियल एस्पेक्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड फैशन इंडस्ट्री। इसमें आपको पढ़ाया जाता है अबाउट द प्लानिंग एंड अबाउट द ऑपरेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसको करने के बाद आप एक प्लानर बन सकते हैं, मर्चेंडाइजर बन सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन बिकम अ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर। लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर टू, विच इज़ करियर पाथवेज। सो सबसे पहले है MDes। सो MDes करने के बाद एक स्टूडेंट क्या क्या बन सकता है? सबसे पहले तो एक विजुअल डिज़ाइनर बन सकता है, एक विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइनर बन सकता है, एक UI/UX डिज़ाइनर बन सकता है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकता है, एक सस्टेनेबल रिसर्चर बन सकता है। सो इस कोर्स के करने के बाद मोस्टली स्टूडेंट एक रिसर्च ओरिएंटेड करियर पाथवेज चूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है MFM, जो कि मैंने बताया कि एक मैनेजमेंट ओरिएंटेड कोर्स है, जिसको करने के बाद एक स्टूडेंट ब्रांड मैनेजर बन सकता है, रिटेल स्टोर मैनेजर बन सकता है, विजुअल मर्चेंडाइजर बन सकता है और चाहे तो एक प्रोडक्शन हाउस मर्चेंडाइजर भी बन सकता है। सिमिलरली MF Tech में भी सबसे ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी एक स्टूडेंट को मर्चेंडाइजिंग में मिलती है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में मिलती है। सैम्पलिंग रूम कोऑर्डिनेटर भी एक बहुत अच्छा करियर फील्ड है, जो कि MF Tech करने के बाद आप बन सकते हैं। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर भी एक बहुत रेपुटेटेड एंड हाई पेइंग करियर अपॉर्चुनिटी है, जो MF Tech के स्टूडेंट को मिलती है। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फैक्टर नाउ, विच इज़ एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जिस कंपनी में काम करने वाले हैं वो आपके करियर एस्पिरेशन के साथ मैच करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो MDes करने के बाद मोस्टली टेक कंपनीज आपकी एम्प्लॉयर होती है, जैसे कि गूगल, सैमसंग या माइक्रोसॉफ्ट। वहीं पे MFM करने के बाद आपके जो एम्प्लॉयर्स रहते हैं वो मोस्टली फैशन इंडस्ट्री और रिटेल हाउसेस होते हैं, जैसे कि प्यूमा, बीबा, एलन सोली, फ्लाइंग मशीन,
टॉमी हिलफिगर वैसी कंपनीज होती है। वहीं एट द सेम टाइम एमएफ टेक करने के बाद आपके एम्प्लॉयर्स मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस होते हैं, जैसे कि आदित्य बिरला, पेरिस एक बहुत बड़ी कंपनी है जो एमएफ टेक से हायर करती है, उसके अलावा लाइफस्टाइल है, उसके अलावा अरविंद मिल्स भी कंपनी है जो कि एमएफ टेक करने के बाद स्टूडेंट्स को हायर करती है। फैक्टर नंबर 4 विच इज़ करिकुलम ऑफ द एग्ज़ाम। सो एमडेस में मोस्टली आप रिसर्च और डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ते हैं, एमएफएम में आप मोस्टली इंटरनेशनल बिजनेस, रिटेल, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एमएफ टेक में आप मशीनरी प्रोडक्शन, प्लानिंग और मर्चेंडाइजिंग के बारे में पढ़ते हैं। फैक्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम स्ट्रक्चर। अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि अगर आपको निफ्ट में एडमिशन चाहिए तो आपको एग्ज़ाम कैसा देना पड़ेगा और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या होगा। सो सबसे पहले एमडेस की बात कर लेते हैं। एमडेस में आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 फेस करनी पड़ेगी। स्टेज 1 के भी 2 पार्ट्स होते हैं, वो होता है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट और जनरल एबिलिटी टेस्ट। इनके बारे में डिटेल में हमने हमारी बहुत सारी वीडियोज़ में बात करी है। स्टेज 1 क्लियर करने के बाद जब आप स्टेज 2 में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको वहाँ पे फेस करना पड़ता है ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, और इन सारे एग्जाम्स का कलेक्टिव रिजल्ट निकलता है, तब आपको पता चलता है कि वेदर यू आर गेटिंग अ सीट इन एमडेस और नॉट। इसके अलावा बात करें एमएफएम की, तो एमएफएम में आपको क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट नहीं देना पड़ता, बस जनरल एबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है इन देयर फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में। सिमिलरली एज एमडेस आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ता है। लास्टली बात करते हैं एमएफ टेक की, जिसका फॉर्मेट बिल्कुल सिमिलर है एमएफएम से, जिसमें पहले आपको गैट देना पड़ता है, दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसके बाद सेकेंड स्टेज में आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर का, जो कि सैलरी पैकेजेस। सो इन तीनों कोर्सेज करने के बाद निफ्ट के ब्रांड नेम के कारण आपको एक कम्पेटिटिव सैलरी पैकेजेस ऑफर होता है। एक एवरेज की बात करें तो एमडेस करने के बाद आपको 4 लाख से 12 लाख का सैलरी पैकेजेस स्टार्ट होता है, ये एक स्टार्टिंग सैलरी पैकेज है जो मैं बता रही हूँ। उसके अलावा एमएफएम करने के बाद 16 to 18 लाख का एवरेज सैलरी पैकेज आपको मिलता है, एमएफ टेक करने के बाद 6 to 15 लाख का आपको एवरेज सैलरी पैकेज मिलता है। सो एक एवरेज है, ज़रूरी नहीं कि आपको इतना भी मिले, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने इससे ज़्यादा भी मिलते बहुत बार लोगों को देखा है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड हाउ यू नो अबाउट द इंडस्ट्री एंड हाउ इट फंक्शंस। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर कि हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारे कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अभी कॉल करें 1-7676-564400 एंड कॉन्टैक्ट टू अवर सर्टिफाइड काउंसलर्स। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे क्रिएटिव एंड कीप चेजिंग योर ड्रीम्स। बाय।